सर अल्लाह के फजलो करम से प्रोडक्शन कंपनी की बहुत अच्छी हो गई है और सेल तो पहले से बहुत बेहतर हो गई है। हेलो शाह जी, क्या हाल है, कैसे मिजाज है आपके? हाँ, वो नई गाड़ी का मॉडल बुक कराने के लिए आपको कॉल की थी, बुक करा दीजिए। हाँ हाँ, कोई टेंशन नहीं, ले लें आप, पैसे मैं आपको ट्रांसफर कर दूंगा। आइए साहब जी, वो आपसे एक जरूरी बात करनी थी। बोलो। वो साहब जी, मेरी वालदा अस्पताल में एडमिट है, उसके ऑपरेशन के लिए कुछ पैसों की ज़रूरत है, अगर आप मेरी तनख्वाह एडवांस में दे दें तो बड़ी मेहरबानी होगी। भाई कहाँ से दे दूँ तनख्वाह एडवांस में, पहले ही फैक्ट्री लॉस में जा रही है, तुम लोगों की तनख्वाहें बड़ी मुश्किल से निकल रही हैं और हो सकता है कि इस बार तो तुम लोगों को तनख्वाह भी टाइम पे ना मिले। साहब जी, मेरी वालदा का ऑपरेशन ना होता तो मैं आपसे कभी पैसे नहीं मांगता, बहुत परेशान होकर आया हूँ, खुदा के लिए कुछ मदद कर दे, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। और भाई कहाँ से दूँ, और मैंने क्या तुम लोगों की परेशानियां खत्म करने का ठेका उठाया है क्या? जाओ ऐसे। सर फैक्ट्री तो प्रॉफिट में जा रही है, अगर आप इस बेचारे को थोड़े पैसे दे देते, इसकी वालदा बहुत बीमार है। अच्छा, तब तुम मुझे सिखाओगे कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं? अपनी औकात में रहो, तुम एक मामूली मैनेजर हो और मैं इस फैक्ट्री का मालिक हूं, मुझे डिक्टेशन देने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। गेट आउट। फरहान भाई भी तो पैसे नहीं दे रहे हैं, फ्री में फरहान भाई निकाल दे यार, पता नहीं। देखो कहता है कंपनी लॉस में, साल में 4 बार गाड़ियां बदलता है और हर बार तो पहले से महंगी और बड़ी गाड़ी लेता है। भाई हमारी बला से 10 गाड़ियां बदले, कम से कम हमें तनख्वाह तो वक्त पर दे दिया करे। क्या? मगर कैसे? सर हुआ क्या, आप परेशान लग रहे हैं। बहुत बड़ा नुकसान हो गया। हुआ क्या? फैक्ट्री गोडाउन में शॉर्ट सर्किट से आग लगी है, आग तो बुझा दी गई है लेकिन काफी ज्यादा माल डैमेज हो चुका है। सर आप परेशान मत हो, हम प्रोडक्शन को तेज कर देंगे और नुकसान को कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे। देखिए मैं आप सबको बता रहा हूं कि आप लोग अपनी हड़ताल खत्म कर जल्द अज जल्द काम शुरू करें, वरना मैं कोई सख्त एक्शन ले सकता हूँ। साहब जी आपको जो करना है कर लें, जब तक हमारे मुतालबात पूरे नहीं होते, हमें हमारी तनख्वाहें नहीं मिल जाती, हम में से कोई काम पे नहीं जाएगा, हड़ताल यूं ही जारी रहेगी। साडा हक, साडा हक। देखो कंपनी को अभी बहुत बड़ा लॉस हुआ है, तुम लोग क्यों नहीं समझ रहे? अगर तुम लोग काम नहीं करोगे तनख्वाहें कहां से देंगे? मैं लॉस वास नहीं जानता, अगर कंपनी लॉस में जा रही है तो ये रोज रोज नई गाड़ियां कहां से आ रही हैं साहब जी, हमें कुछ नहीं पता, हमें हमारे मतालबात पूरे चाहिए। साडा हक, साडा हक। देखो मैं तुम सबको आखिरी वार्निंग दे रहा हूं, जल्द अज जल्द अपनी हड़ताल खत्म करके काम कर लगो, वरना बहुत बुरा होगा। एक मिनट सर, सर आप गुस्सा ना करें, मैं लोगों से बात करके देखता हूँ। देखें आप लोगों का गुस्सा बिल्कुल जायज है, लेकिन काम ना करना कोई समझदारी नहीं है, ये फैक्ट्री आप लोगों की वजह से ही चलती है, लेकिन इस बात को याद रखें कि आप लोगों के अलावा भी कई लोगों के घराने, कई लोगों के चूल्हे इस फैक्ट्री से चलते हैं। अब ये आप लोगों के ऊपर है कि आप इस फैक्ट्री को बचाना चाहते हैं कि बंद करना चाहते हैं, ये मैं फैसला आप लोगों पर छोड़ता हूँ। मैनेजर साहब आप कहते हैं तो हम मान लेते हैं, हमें आप पर यकीन है, हम सब लोग अपने अपने काम पर वापस चलते हैं। हड़ताल खत्म करें, हड़ताल खत्म करें। मैं इतनी देर से हड़ताल खत्म करने की कोशिश कर रहा था,
लेकिन कोई वर्कर मानने को तैयार नहीं था। तुम्हारे एक मर्तबा कहने पर वर्कर्स ने हड़ताल कैसे खत्म कर दी? सर वो आपने बुलाया मैनेजर साहब? हाँ मैंने तुम्हें बुलाया था। ये लो पैसे रखो, अपनी वालदा का ऑपरेशन करा लेना। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, अगर मज़ीद पैसों की ज़रूरत हो तो बिला झिझक मुझे बता देना। आराम से जाओ, अपनी वालदा का इलाज कराओ। मैनेजर साहब आपने इतने पैसों का बंदोबस्त कहाँ से किया? मैंने बाइक के लिए पैसे जमा किए थे, लेकिन बाइक से ज़्यादा तुम्हारी वालदा का ऑपरेशन ज़रूरी है। मैनेजर साहब आपकी बड़ी मेहरबानी, आपका बहुत शुक्रिया। मैनेजर साहब अगर ये पैसे नहीं होते तो मैं अपनी माँ का इलाज नहीं कर पाता। रोने की जरूरत नहीं है, जाओ अपनी वालदा का ऑपरेशन कराओ, जाओ। अल्लाह आपको खुश रखे। हाँ भाई यार, क्या मालिक ने तेरी वालदा के इलाज के लिए एडवांस दे दिया? नहीं यार, मालिक ने तो एडवांस देने से साफ मना कर दिया था, मगर हमारे मैनेजर साहब उन्होंने अपनी अपनी जेब से पैसे देकर मेरी मदद की है। वही मैं कहूँ यार, हमारे मैनेजर साहब दिल के बहुत अच्छे हैं, तमाम वर्कर्स का बहुत ख्याल रखते हैं। अल्लाह उनको यार खुश रखे। सर इंसान अपनी इज्जत खुद बनाता है, अगर आपका इखलाक अच्छा होगा तो लोग आपकी इज्जत करेंगे, और अगर आपका इखलाक ख़राब होगा तो कोई भी आपकी इज्जत नहीं करेगा।